वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ परसेंटेज का क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज में हमारे जितने भी वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें परसेंटेज के काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस देखिए जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, 5:4 के अनुपात को 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इजीली इसको हम अगर कोई भी नंबर जो अनुपात में दिया होता है 5:4, इसको हम लिखेंगे 5/4 100। ठीक है, और इजीली इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो होगा 125%। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, सैलरी और इनकम को लेके भी परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के एग्ज़ाम में, जैसे हमारा ये एमटीएस हो गया और सीएचएसएल हो गया, वो सारे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी फॉर्मूला कोई भी रूल नहीं लगाएंगे, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। 20% है मतलब इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, तो 20% 20/100। ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में बताया था, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो होगी 1/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, 20% वृद्धि। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन का फॉर्म है वो आया 1/5, मतलब कि 5 में 1 की वृद्धि की गई है। हमारी जो सैलरी थी वो पहले 5 थी और अब वृद्धि की गई है, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो देखिए इसमें वृद्धि कितने का हो रहा है, 1 का, मतलब ये जो हमारी सैलरी है ये इनिशियल सैलरी है, और ये जो हमारी है वो नई सैलरी, मतलब प्रारंभिक और नई। पहले हमारी सैलरी 5 थी, 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी हो गई 6। अब हमको कुछ नहीं करना है, वृद्धि कितने का हुआ, 1 का, जितने का वृद्धि होगा वो, और जितनी हमारी नई सैलरी है वो बट्टे में होगी 100। ठीक है, अब इसको हम इजीली सॉल्व कर देंगे तो हमारा ऑप्शन निकलेगा, ठीक है, 16 2/3 100/6, और इसको सॉल्व करने पे हमारा निकलेगा 16 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो ग्राहकों को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। सेम यही लॉजिक इसमें भी करना है, 60% मूल्य बढ़ता है तो 60% का सबसे पहले हमें फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना होगा, तो ये हमारा आएगा 3/5। ठीक है, मतलब कि हमारा जो किसी भी वस्तु का मूल्य था वो पहले 5 था और उसमें 3 की वृद्धि की गई, 3 की वृद्धि की जा रही है। जो क्वेश्चन में हो, अगर कमी बोला जाएगा तो कमी, वृद्धि बोला जाएगा तो वृद्धि। 5 था, 5 में 3 की वृद्धि की गई, मतलब जो हमारा पहले का मूल्य था वो 5 और 3 वृद्धि करने के बाद जो हमारा नया मूल्य होगा वो होगा 8। ठीक है, अब देखिए वृद्धि कितने की हुई, 3 की। सेम यही जो फंडा हमने ऊपर यूज़ किया था वही होगा इसमें, जितने की वृद्धि हुई वो नया रेट नीचे होगा 100। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 300/8, और इसको सॉल्व करने पे निकलेगा 37.5%। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 7 रुपये 50 रुपये प्रति केजी हो जाता है, 7 रुपये 50 पैसे। पहले जो हमारा वस्तु का मूल्य था वो 6 रुपये प्रति केजी था, और बढ़ने के बाद जो नया रेट हो गया वो हो गया 7 रुपये 50 पैसे प्रति केजी। तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पूर्ववत रहे। ठीक है, अगर वस्तु का मूल्य बढ़ गया है तो हमें खपत को कम करना है, ठीक है, जिससे कि जो हमारा एक्सपेंसेस है वो पहले के बराबर ही बना रहे। तो सबसे पहले देखिए,
इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा प्रारंभिक मूल्य 6 और जो वृद्धि होने के बाद नया मूल्य हुआ है वो कितना हुआ, 7 रुपये 50 पैसे। इसमें इंक्रीमेंट देखने को कितना मिल रहा है, 1.5। सेम वही चीज़ करना है, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है इंटू 100, और अपॉन में हमेशा हमको नया वाला रेट रखना होता है। ये हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन सेकंड, 20%। आज मैं आपके लिए सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, यदि वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे तो उसमें वृद्धि हो रही थी, अब इस क्वेश्चन में क्या है, कमी हो रही है, तो इसका लॉजिक सेम रहेगा। 40% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ठीक है। वस्तु के मूल्य में 40% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो यहाँ पे हमारा हो गया 40%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 2/5, ठीक है। अब देखिए कमी हो रही है, मतलब कि यहाँ पे पहले हमारा मूल्य था 5 और इसमें 2 रुपये की कमी की गई, ठीक है। अगर कोई वस्तु पहले 5 की मिलती थी और उसके मूल्य में 2 रुपये की कमी हो गई, तो हमारा जो नया रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 रुपये और पहले वाला रेट होगा 5 रुपये। इसमें कमी कितने की हुई, 2 रुपये की। सेम वही चीज़ करना है, 2 रुपये की कमी, मतलब जितने का परिवर्तन आया वो होगा और नया वाला रेट नीचे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 200/3। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आंसर निकलेगा, 66/2/3, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इनकम से रिलेटेड। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जनरली यही पूछा जाता है कि बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम है या ए की आय बी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24% को हम लिखेंगे 24/100 और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/25, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया 6/25। अब देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, मतलब कि ए की आय अधिक है और बी की आय कम है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बी की आय, और ए की आय उससे कितनी ज़्यादा होगी, वृद्धि की जा रही है, 6 की वृद्धि, मतलब कि बी की आय 25 थी और उसमें 6 की वृद्धि कर दी गई, तो ए की आय हो जाएगी 31 क्योंकि 25 में 6 की वृद्धि हो जाएगी, और बी की आय होगी 25। दोनों में डिफरेंस कितने का निकल रहा है, 6, मतलब कि 6 का, ये हमारा 6 का डिफरेंस है। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, जिससे कंपेयर करना, मतलब तुलना किससे करना है, ए की तुलना में, बी की आय की तुलना ए की आय से हो रही, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे रहेगा, तो तुलना हो रही है हमारी ए से, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकलेगा देख लीजिए, 6×100/31, मतलब 600/31, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये क्लियर होगा। इसी तरह हमारा ये वीडियो देखते रहे, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें।